नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस शो में, जो कि हिमाचल प्रदेश में सेब में जो स्कैब आया है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, खासकर इसकी जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम GDP कहते हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। और सेब की जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था लगभग 5,000 करोड़ की है, और जो हिमाचल के विकास में अगर अहम भूमिका बहुत सारी चीजों ने निभाई है, लेकिन एक बड़ी भूमिका में जो योगदान है वो सेब का रहा है। जिस तरह से सेब की खेती हुई है, राज्य सरकार का जो प्रोत्साहन मिला है पुराने समय में, और विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय खोले गए, उसके एक्सटेंशन काउंटर्स खोले गए, और उसकी मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं खुशहाली का भी मतलब जो रास्ता है वो इससे निकल कर आता है। लेकिन हमने ये देखा है कि 1982 के बाद जो सेब में जिसको फंगल एक इन्फेक्शन कहते हैं, फंगल डिजीज स्कैब के रूप में, जिसमें सेब का सड़ जाना, उसमें क्रैक आना, वो एक एपिडेमिक के रूप में 1982 में देखा गया था। और आज मतलब आज पिछले साल और अभी इस साल में दोबारा से देखा गया है। उसके काफी सारे कारण हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो उसको अपने दिशा से देखते हैं, और जो जो किसानी करते हैं, बागवानी करते हैं, वो भी उसको एक अपने पहलू से उसको देख रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अगर ये एपिडेमिक के फॉर्म में आ गया तो ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसके इस बड़े इंपॉर्टेंट भाग को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकेगा। इसी विषय पर हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ आज दो बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, जिसमें पहले हमारे जो नौनी विश्वविद्यालय है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहा जाता है, सोलन में, उनके पुराने वाइस चांसलर रहे हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। और साथ में हैं डॉक्टर ओंकार शाद, जो कि बॉटनिस्ट हैं, और हालांकि बॉटनी पढ़ाए हुए बहुत समय इनको हो गया, और किसानी करते हैं और किसान सभा के नेता भी है। डॉक्टर ओंकार शाद, आपका भी बहुत ज्यादा स्वागत है इस शो में। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि आपने बहुत कुछ, मैं आपके फेसबुक की पोस्ट भी देखी हैं, और आप जगह जगह पर बता भी रहे हैं लोगों को कि इसको समझिए और इसको पहचानिए और इसमें हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन इसकी जो एपिडेमियोलॉजी, जो हम बड़ा आज पेंडेमिक की भी एपिडेमियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये अपने आप में प्राकृतिक कारण है या इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो ये अब एपिडेमिक के रूप में जो स्कैब है, एप्पल स्कैब, आज हिमाचल में दस्तक दे रहा है? हाँ जी, टिकेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए कि ताकि हम इस माध्यम से किसानों तक पहुंच सके। स्कैब एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की डिजीज है और इंडिया में भी इसको 82 के बाद नेशनल इंपॉर्टेंस की डिजीज डिक्लेयर किया गया था, जो कि लगभग 13 टोटल नेशनल इंपॉर्टेंस की डिजीज थी, जिसमें स्कैब भी एक डिजीज थी। उसका फायदा ये हुआ कि स्कैब के ऊपर बहुत ज्यादा शोध कार्यों के लिए पैसा भी मिला और भारत सरकार द्वारा जो एक सब्सिडी पे पेस्टिसाइड्स का जो लोगों को दिया गया था, वो उसी टाइप की सब्सिडी जो आज भी मिलती है, वो उस टाइम 82 से 83 में स्टार्ट हुई थी एपिडेमिक को देख के। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था, भारत सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी, और जो प्रदेश सरकार के जो डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम किया था। और फार्मर जितने भी थे किसान, उन्होंने भी इस कार्यों में बड़ा योगदान दिया था कि किस तरह जगह जगह जब कैंप लगते थे तो हजारों की संख्या में लोग इसको समझने आते थे। अल्टीमेटली 90 तक इस जो बीमारी का है निदान हो चुका था, इसका जितना भी रिसर्च थी हो चुकी थी, और एक अच्छे मॉड्यूल जो है इसके कंट्रोल के या मैनेजमेंट के किसानों को समझाए गए, सुझाए गए, और किसानों ने इस बीमारी को समझ लिया था। प्रश्न आता है कि ये एक फंगल डिजीज है और जिसका नाम हिंदी इंग्लिश में तो एप्पल स्कैब है, और इसका जो फंगस है वेंचुरिया इनोक्युलिस, ये फंगस एक बड़ा रेयर फंगस है, ये केवल एप्पल क्रॉप को या पेयर्स को ही, नाशपाती को ही अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ा जो इसका इकोनॉमिक लॉस है
वो है ये फ्रूट को अफेक्ट करता है। ये मेरे कहने का अभिप्राय है, दूसरे पिछले 15-20 साल से मार्सोनिना जो पतझड़ की भी एक समस्या हिमाचल में है और कई जगह वो भी इस टाइम एपिडेमिक स्टेज पे है, उसमें और इसमें ये अंतर है कि उसमें पत्तियों का लॉस होता है, फलों का लॉस इसलिए होता है कि पत्तियां झड़ जाती हैं, पर जो फल बचता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। पर स्कैब में ये है कि ये फलों पे ज्यादा आता है जिससे कि इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, वो फल या तो बी ग्रेड में चला गया या डिस्कार्डिंग में चला जाता है कि उसको कोई नहीं खरीदता। मैं यहाँ बड़ी जल्दी में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि लोग अगर ये समझे कि स्कैब लगा है फ्रूट पे तो ये शायद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए खराब होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिशेपन तो जरूर करता है फ्रूट को, केवल ये केवल बीमारी स्किन के ऊपर रहती है, अंदर नहीं जाती कभी भी। आपने भी कभी देख लेना, प्रोफेसर शाद भी इसको जानते होंगे कि अगर आपने छिलके काट के उसको निकाला तो अंदर किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन या टॉक्सिन नहीं होता, तो कंजम्पशन के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है। पर डेफिनेटली कंज्यूमर मार्केट है, रिटेल मार्केट है, वहाँ ये सब चीजें देखी जाती है क्वालिटी इंडिसेस के अंडर, पर ये इसलिए इकोनॉमिकली लॉस है कि ये फ्रूट को अफेक्ट करता है। ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इसका लॉस दूसरी बीमारियों से इस तरह डिफरेंट है। और ये सबसे पहले इंडिया में कश्मीर में 1930 में रिपोर्ट हुआ था और हिमाचल में 1975 में सबसे पहले देखा गया था कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में। उसका कारण ये रहा है कि कुछ तो क्लाइमेट सूटेबल था उन एरिया में भी, मैं जैसे कोटखाई में ग्राव वैली है वहाँ बहुत सीरियस हुआ था 75 के टाइम में, फिर जंजैली वैली है मंडी में, एक चुड़ाव वैली है चंबा में, इन तीन लोकेशंस पे ये सबसे पहले इसका इंसिडेंस हुआ था। और इसका इंसिडेंस या रीअकरेंस हमेशा फॉरेस्ट एरिया के साथ रहती है, ये क्यों रहती है मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद 82 में एपिडेमिक इसका पहला आया था, 82-83 में, जिसने काफी ज्यादा एक इस तरह का पैनिक क्रिएट कर दिया था कि कुल्लू के जो निचले इलाके हैं बजौरा कटराई तक के इलाके, तो लोगों ने एप्पल के ट्रीज को काटना शुरू कर दिया था क्योंकि इतनी पैनिक हो गई थी लोगों में कि अब सेब नहीं बचेंगे। तो बल्कि झीड़ी बजौरा में मैंने बड़ा अनुसंधान किया था उस टाइम जब लोग काट रहे थे बगीचे के बगीचे, तो उन्होंने टोमेटो पे पंजाब गोला एक टोमेटो की वैरायटी है वो शुरू कर दिया था। पर धीरे धीरे जैसे अनुसंधान बढ़ता गया तो लोगों में भी कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इसकी दवाएं बनी है और इसके कारण क्या है, ये बीमारी आती क्यों है। तो जब ये लोगों को समझ आया तो लोगों ने इसको कंट्रोल करने की एक नियमावली बना दी थी कि इसको कैसे, कब आती है, कैसे आती है, क्या इसकी जरूरतें हैं और इसको कैसे समाधान किया जाता है। जो फाइनली टेक्नोलॉजी बनी थी वो ये बनी थी कि ये आती कैसे है, इसके इंडिसेस पैरामीटर या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, वो एक पूरी तरह शेड्यूल्ड मेथड में तैयार किया गया। फिर उसी के तहत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं हम स्कैब को कंट्रोल करने के लिए, कि आपने वेदर के साथ अपने बगीचे की बीमारी को ऐसे कोरिलेट करना है, क्योंकि हम ये चाहते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट वो होता है कि अगर आपके स्कैब आती है तो आप सीजन के शुरू से दवाइयां स्प्रे करना शुरू कर दो और लगे रहो पूरे साल में, वो स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी होती है कि बीमारी कब आती है, तो मेरे बगीचे में कब आएगी, आपके बगीचे में कब आएगी, दूसरी जगह कब आएगी, तीसरी जगह कब आएगी, ये स्ट्रेटेजी है कि सब एक साथ नहीं आएगी। उसको कुछ पैरामीटर्स वेदर के अपने बगीचे में, सर्दियों और स्प्रिंग सीजन जो मार्च अप्रैल का सीजन होता है, ये हमने लाखों लोगों को समझाने की कोशिश की, तब जाके हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां 100% लगभग 30 साल तक स्कैब नहीं रही, क्योंकि लोगों में इसकी समझ आ चुकी थी। जो उनको पैरामीटर्स दिए वो उसको समझ चुके थे, जो उनको फंजिसाइड दिए वो उसकी जो एक मोड ऑफ एक्शन होता है किसी केमिकल का, कि कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ क्यूरेटिव होते हैं, कुछ इरेडिकेंट होते हैं,
तो स्कैब जो हिमाचल में है, मैं कहूंगा दो कारण जो उसमें कंट्रोल करने के थे वो थी स्ट्रेटजी कि वेदर पैरामीटर्स में जैसे लीफ मॉइस्चर है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर 9 घंटे के लिए पत्ती के ऊपर कंटिन्यूअसली मॉइस्चर रहता है तो जो भी कीटाणु एस्कोस्पोर पत्ती के ऊपर लैंड करता है जमीन से, जो ओवरविंटरिंग जमीन की पत्तियों में, सड़ने वाली पत्तियों में करता है, और लगभग मार्च के तीसरे सप्ताह में ये मैच्योरेशन होती है। अगर आपकी पत्तियां 1 नवंबर को पिछले साल की 1 नवंबर को जमीन पे गिरती है तो आप ये समझो कि 120 दिन में इसका स्पोर तैयार हो जाता है नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए, जो लगभग मार्च के 13-14 में हमने इतना प्रिसाइज कर दिया था इसका रिसर्च अनुसंधान कि अगर हमने ये कहा था लोगों को कि आप अपने पत्तियां झड़ने की तारीख को नोट कर लीजिए डायरी में, लोगों ने किया। अब इसमें 120 दिन जोड़िए, जिस दिन 120 दिन जुड़ के जो भी डेट आएगी मार्च में उस दिन पहला स्प्रे कर देना, इस तरह की स्ट्रेटेजी आई थी। और स्प्रे ये होगी तो लोगों ने स्प्रे किया। फिर दूसरा अनुसंधान हुआ था कि क्यों ना इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक किया जाए, स्कैब तो आती रहेगी। अब हमारे पास लगभग 1,11,000 फार्मर है, हम सब तक तो नहीं रीच कर सकते, सब लोग हमारी बात सुन भी नहीं सकते, किसी के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, किसी के पास अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, किसी की देखभाल में प्रॉब्लम है। तो हमने ये कहा था कि क्यों ना इस स्कैब फंगस का ही लाइफ साइकिल ही ब्रेक किया जाए। तो फिर अनुसंधान हुआ तो यूरिया जो एक बड़ी कॉमन रिकमेंडेशन थी, 10 किलो यूरिया का स्प्रे, ये इतना पॉपुलर था कि एक प्रोवर्ब की तरह एप्पल फार्मर इसको यूज करते थे। 10 किलो यूरिया का स्प्रे आपने कर दिया नहीं कर दिया, ये एक दूसरे के लिए मैसेजिंग थी, इतना पॉपुलर हुआ था। उससे क्या हुआ कि जो लाइफ साइकिल 120 दिन में तैयार होता था यूरिया स्प्रे करने से, पत्तियां जब झड़ती है उसके ऊपर यूरिया स्प्रे करो तो ये लाइफ साइकिल 38 डेज में कंप्लीट हो जाता है। उसका फायदा क्या हुआ कि 38 डेज में आपके पास फ्रेश पत्तियां नहीं होती, फ्रेश पत्तियां आती है लगभग 115 दिन के बाद। तो आपने 38 दिन में ही जो लाइफ साइकिल था वो तैयार कर दिया, और तैयार करने बाद वेस्ट हो गया, तो वो जो इनोकुलम था वो वेस्ट चला गया 38 डेज के बाद ही। तो इस तरह से हिमाचल में इस स्कैब को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली, और लोगों ने भी इसको समझा और लोगों ने भी किया। और जो मैं इस साल की बात करूंगा, मैं थोड़ा पहले उसमें कंक्लूड कर दूं, जो इस साल जो प्रॉब्लम आई है, एक हम जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो ह्यूमन एपिडेमियोलॉजी है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे प्लांट्स की है, हर 15-20 दिन, 15-20 साल के बाद एक बूम एंड बस्ट पीरियड होता है एपिडेमियोलॉजी में, कि जो चीज आ चुकी है ये एक बार डाउन जाती है, एक बार ऊपर आती है। मैंने बहुत पहले 4 मई को फोरकास्ट दे दी थी इस साल की कि इस साल स्कैब आएगी और काफी हाई लेवल तक आएगी। तो चलो जिसने समझा उसने ठीक समझा होगा, उन्होंने कंट्रोल भी कर दी। बहुत सारे इलाके हैं जिन्होंने, जहां पे एपिडेमिक आ चुका है इस साल, वहां भी बीच में कई ऑर्चर्ड्स ऐसे हैं जिनके नहीं आए, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो थोड़े, मैं कहूंगा कि पुराने फार्मर्स है जो पहली एपिडेमिक 1982 से काम कर रहे हैं, पर बीच में एक बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी आई, नई जनरेशन जो मैं कहूंगा बहुत प्रोग्रेसिव है, अच्छी जनरेशन है। इन्होंने एप्पल प्रोडक्शन में या एप्पल की क्वालिटी में बड़ा योगदान है, हिमाचल का एप्पल अब बाहर की कंट्री से मैच करता है। इस नई जनरेशन ने वो तो बहुत बढ़िया काम किया है कि क्वालिटी तो, पर उनको स्कैब की नॉलेज नहीं थी, नहीं थी, वो आपने ये पहले भी कहा है कई जगह पर आपने। फर्स्ट टाइम ये स्कैब आई, तो हो सकता है कि अब लोगों को समझ आ रही है तो ये इसको शायद कंट्रोल कर लेंगे। पिछली साल भी कुछ आई थी, पेपर में छपा था बहुत ज्यादा, तो हमारे से पूछा गया था, तो हमने ये कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, केवल टेक्नोलॉजी को यूज करने का टाइम फार्मर रखें, और इसकी ये मेडिसिन है इसको स्प्रे कीजिए, परफेक्ट टेक्नोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट ईयर मुझे लगता है कि 15 दिन में ही लोगों ने इसको कंट्रोल कर दिया था। ठीक है 2004 डॉक्टर में साहब, भी एक बार एपिडेमिक आया था, बल्कि आज तक टीवी था उस टाइम,
उन्होंने कुल्लू को बड़ा कवर किया था, उस टाइम भी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की थी, थोड़ा मीडिया का भी एक प्रोफेसर रोल ठाकुर, होता है। बिल्कुल हम इस पे और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो जी आपने एक्चुअली, मैं ये सवाल थोड़ा पार्क करना चाह रहा था आगे के लिए, कि आपने जो यंग जनरेशन वाली बात कही, और ये पूरा एक नई मतलब पीढ़ी है जो आज अपना फ्यूचर सस्टेन करती है, और आपने कहा कि उनको एक्चुअली पता भी नहीं लगा, तो इस पे हम और बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाना चाहेंगे डॉक्टर ओंकार शाद के पास, और श्योर क्योंकि डॉक्टर साहब, जैसा ये पूरा जो वैज्ञानिक तर्क रखा गया कि हालांकि इसके इसकी विज्ञान थी, और इसके विज्ञान के साथ साथ वो स्प्रे शेड्यूल जो आपने भी एक आर्टिकल में लिखा है कि स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बात कही है कि जो दवाई मिलने का सवाल है, जो जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि मतलब 1982 के बाद रिसर्च हुई और पूरा एक स्प्रे शेड्यूल वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया, लेकिन आपने आर्टिकल में पॉइंट आउट किया है अपने कि दवाइयां मिल ही नहीं रही है, एक्चुअली हॉर्टिकल्चर विभाग में दवाई मिल नहीं रही है और मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप इस पहलू को कैसे देखते हैं, खासकर अब जो स्प्रेड हुआ, और आपने ये भी कहा है कि लगभग 50% बगीचों में जो ये मतलब एप्पल स्कैब है वो फैल गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इसको? धन्यवाद टेकिंदर। मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब ने पूरे वैज्ञानिक तथ्य इसके कंट्रोल के बताए और इसका इतिहास बताया है, परंतु मेरा जो मानना है कि इस कैब को फिर से आने के लिए जो जिम्मेदार है वो जो ये सरकार की जो नई नीतियां नव उदारीकरण की नीतियां 1990 के बाद आई, उसके बाद से ही जो हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और दूसरे अदारों में जो सब्सिडी अनुदान खत्म हुआ, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का बजट खत्म हुआ, एक्सटेंशन सर्विसेज का जो बजट खत्म किया इन नई नीतियों के तहत, जिससे नई कृषि नीति आई, उस वो एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आज ये स्कैब हिमाचल प्रदेश में फिर से फैल रही है और जो है ये एक एपिडेमिक का जो रूप है वो आने वाले समय में जो है वो लेगी। क्योंकि जो स्प्रे शेड्यूल डॉक्टर साहब ने कहा, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, देश और दुनिया में जो इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को अगर आपने धरातल पर लागू करना है, उस स्प्रे शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है, तो तभी ये रुकेगी। परंतु वो जो है वो हो नहीं रहा है। सरकार जो है वो अभी हाल ही में, तो पिछले 2-3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जीरो बजट के नाम से जितनी भी जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, फंजीसाइड्स के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी, जो नीचे एक्सटेंशन हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन दफ्तरों में जो है वो दवाइयां मिलती थी, वो तो मिल नहीं रही है। इसलिए लोग जो है समय पर जो है वो स्प्रे नहीं कर रहे, शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्कैब इस बारी आई है या कई सालों से फिर से इसका इनोकुलम जो है विद्यमान था हमारे बगीचों में, परंतु इस बार प्राकृतिक कारणों से जो है वो और तेजी से फैला है और अब ये लार्जर स्केल के रूप में इसका इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में इस अर्थव्यवस्था को जो है वो अपनी चपेट में लेगा। तो इसीलिए आज जरूरत है कि अगर ये रोकनी है, अगर हिमाचल प्रदेश में जो सेब की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो बिना सरकारी हस्तक्षेप के, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बिना जो है ये उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, ना ही जो ये बीमारियां हैं वो रुक सकती है। तो हमारा मानना है, किसान सभा का मानना है, कि इसके लिए जो है जरूरी है कि सरकार वो अनुदान दे, नीचे दवाइयां उपलब्ध करवाए, और साथ में जो हॉर्टिकल्चर विभाग में रिसर्च होनी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी है, उधर जो पोस्टें खाली पड़ी है उनको भरे। तब जैसे डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी ने कहा कि नीचे जाते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, अब तो वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद है, उधर कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई जो है वो बताने वाला है नहीं, एक्सटेंशन सर्विसेज खत्म है, तो ये कैसे रुकेगी? ये इसको रोक पाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ से
जो आप ये जो दवाइयां दे रहे हैं, जो डॉक्टर साहब का समय या शेड्यूल है दवाइयों का, अभी हम ये हमारे देश की सरकार ने पिछले साल प्रस्ताव रखा कि जो 27 पेस्टिसाइड्स है वो हमारे देश में बंद होंगे, जिसमें जो स्कैब को रोकने वाली दवाइयां भी है, जैसे डाइट मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है, वो भी उसमें बंद है। और उसकी जगह से जो ये विदेशी कंपनियों की दवाइयां जो है वो आ रही है, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अभी 7 जुलाई को हॉर्टिकल्चर विभाग ने एक एडवाइजरी इशू की है, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि ये दवाइयां करो, कैब्रियोटॉप करो या कोई वो दूसरी दवाइयां यूज करो। वो दवाइयां तो इतनी महंगी है, आम जो गरीब किसान है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्कैब रुक नहीं रही है। जिस मैं तो अपने एरिया में देखता हूँ, जो किसान रेगुलर स्प्रे भी कर रहे हैं, इन्फेक्शन दूसरे बगीचे से आ रहा है, क्योंकि वो उसको जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा इस पे जोर है कि सरकार जो है हॉर्टिकल्चर विभाग इसमें फौरी तौर पे जो है नीचे विशेषज्ञ भेजे, और जो दवाइयां जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, वो दवाइयां जो है उपलब्ध कराए, और इस पे जो सब्सिडी है उसको फिर से बहाल करे, और इस पे जो रिसर्च है, जो नई मेथोडोलॉजी है, नई टेक्निक है, वो इसमें लागू करे, तब हम इस अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जोतें छोटी है, बबगीचे छोटे हैं, 5 बीघे 4 बीघे हैं, 1,70,000 परिवार इसमें जो है वो जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, 9,70,000 में से, और 1,25,000 हेक्टेयर में ये खेती हो रही है हिमाचल प्रदेश में। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है ये हिमाचल के लिए, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है, यही मैं इस पे कहना चाहता। इससे पहले हम प्रोफेसर विजय सिंह ठाकुर जी के पास दोबारा जाए, डॉक्टर साहब मैं आपसे दोबारा एक और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने उस अपने आर्टिकल में ये भी कहा है कि अब बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट भी घूम रहे हैं पूरे एप्पल बेल्ट के अंदर, और वो एजेंट हैं जो कि मतलब दवाई के भी एजेंट हैं, और उन जैसा प्रोफेसर विजय ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही कि नई जनरेशन को एक्चुअली स्कैब आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये स्कैब है। उसी तरह से ये एजेंट है तो बहुत अच्छे हैं, MBA पास हैं, लेकिन इनको भी आइडिया नहीं है कि कैसा स्प्रे शेड्यूल फॉलो किया जाना चाहिए, और उसकी वजह से भी ये काफी प्रेसिपिटेट हुआ है। इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो मल्टीनेशनल कंपनी के, जैसे कोई इजराइल की कंपनी है ICL या वास्प कंपनी है या दूसरी कंपनियां हैं, वो कंपनियों के एजेंट जो है वो जगह जगह नीचे जो दवाइयां बेचने वाले हैं उनसे मिलके जो है वो लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये स्प्रे करो, इससे सब कुछ रुक जाएगा, इससे क्वालिटी सेव होगा, इससे वो आपका जो है सेब में रस्टिंग नहीं आएगी, साइज बढ़ेगा, लंबोतरा होगा, जिसमें डॉक्टर विजय ठाकुर ने भी PGR इस्तेमाल करो जो है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल करो। तो आम जो किसान है अज्ञानता के चलते जो है वो इस चक्कर में आ रहा है, जो सही साइंटिफिक सही समय पे कौन सी दवा होनी है और किस रोग को क्या रोकना है वो जो है वो ना होने के कारण जो है ये हिमाचल प्रदेश के बागवानों को काफी बड़ी क्षति हो रही है। क्यों? ये भी इसलिए हो रहा कि दूसरी तरफ जो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट था उसके माध्यम से जो लोगों को एजुकेट करते थे वो तो हो नहीं रहा है, इसलिए ये लोग जो है वो लोगों को एजुकेट करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिससे हमारे किसान को नुकसान हो रहा है। इसमें नो डाउट कई दवाइयां अच्छी भी है और बेहतर भी है, परंतु वो इतनी महंगी है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल के किसानों के बागवानों की हमारी सेब उत्पादन भी लगातार बढ़ रही है। अब प्रोफेसर विजय जी, आपने पूरी बात सुनी, मैं आपको थोड़ा सा एक्चुअली एक तरह से प्रोवोक करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपके काफी फेसबुक पोस्ट देखे हैं, और एक उन पोस्ट को देखकर जो मैंने राइटअप किया था उसमें लोगों ने कहा कि वो सेटल स्कोर करने वाली बात है कि आप या मैं, हम दोनों अपना पुराने गवर्नर से स्कोर सेटल कर रहे हैं, जिन्होंने जीरो बजट फार्मिंग की बात कही, और आपने मतलब ये भी कहा कि ये गुड़ चना जो डालने की बात है दरअसल पैथोजेंस भी बढ़ाएगा
और ये दरअसल गुड़ गोबर है, ये और कुछ नहीं है, गुड़ गोबर वाली बात। तो अगर आप थोड़ा सरल भाषा में मतलब जो लोगों को समझा सकें कि ये कितना डेंजरस है और एक्चुअली ये कितना बड़ा रैकेट और फ्रॉड है जिसके खिलाफ एक्चुअली वैज्ञानिक तर्क भी जरूरी है, लेकिन किसानों को भी थोड़ा सहजता से समझने की जरूरत है कि ये सुनने में ऑर्गेनिक लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक के नजदीक नहीं है और ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा अगर इसी तरह से काम चलेगा हमारे बाग बगीचों में। मैं चाहूंगा इस पे आप थोड़ा टिप्पणी जरूर करें प्रोफेसर। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, मैंने बड़ा शुरू से ही, जब वो गवर्नर भी थे, इसे सेटल करने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इंटेलेक्चुअल है या बुद्धिजीवी है तो हमारे को अपनी बात रखने की दम होना चाहिए और हमने वो दम दिखाया भी उनको। मैंने कभी भी उनके जीरो बजट फार्मिंग को कभी नहीं माना, चाहे मैं उनके अंडर था चाहे मैं उसके बाद भी रहा। कारण ये है कि उसमें साइंटिफिक लॉजिक कोई नहीं था। आप गाय का गौंत्र, ठीक है, एक अपनी प्रॉपर्टी होती है गाय के गौंत्र में या गोबर में, और दूसरा गुड़ में कोई शक्ति नहीं होती पैथोजन को हटाने की, बल्कि पैथोजन को पैदा करने की शक्ति जरूर होती है। और बेसन में भी वही प्रॉपर्टीज होती है कि उसमें कल्चर किया जाता है पैथोजन को। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सभी बागवान ने उसको एक बार सुने इस बात को कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बगीचों में, वो है रूट रॉट की समस्या। रूट रॉट का जो पैथोजन है, जो फंगस है, उसको ग्रो करने के लिए हम लेबोरेटरी में इसी तरह के इंग्रेडिएंट मीडियम में डालते हैं, फिर वो पैथोजन ग्रो होता है। तो आप वो मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में जब ये एक्युमुलेट होता रहेगा तो वो वैसे ही पैथोजन ज्यादा पैदा होंगे जो पैथोजन को फेवर करते हैं, और आपकी जड़ों में हमेशा के लिए रूट रॉट का पैथोजन हमेशा के लिए आएगा। अभी आपको, क्योंकि रूट रॉट का पैथोजन कम से कम 10 साल लेता है रूट को उस स्टेज पे ले जाने के लिए जब पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। अभी जीरो बजट फार्मिंग केवल 5 साल की फार्मिंग है और इसमें आप धीरे धीरे, ये पेरिनियल क्रॉप है एप्पल, आप 3 महीने या 5 महीने की फसल नहीं उगा रहे हैं यहाँ पे, हम पेरिनियल क्रॉप उगा रहे हैं जिसको यहाँ 5 साल पे एक जमीन और एक मिट्टी के ऊपर रहना है। और इस तरह से आप इंग्रेडिएंट डालते रहेंगे जिसमें हम पैथोजन को ग्रो करने के लिए सुक्रोज डालते हैं। सुक्रोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? गुड़ की तरह ही है। आप उसको मिट्टी में डाल रहे हैं, पैथोजन को खाना दे रहे हैं आप, और दूसरा आप बेसन डाल रहे हैं, हम उसमें एगार एगार डालते हैं ताकि उसमें काफी पैथोजन को प्रोलिफरेट हो जाए, फैल जाए। तो आप ऐसे, आपने पेरिनियल क्रॉप के लिए कभी कोई ऐसी सोच नहीं रखी कि ये इस तरह का कल्चर मिट्टी में क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा आने वाले समय में। हमारा कंसर्न एप्पल से है और इस एप्पल में जो पेरिनियल सिस्टम है या रूट सिस्टम है और इतने पैथोजन है, उसको हम फेवर नहीं कर सकते आपके जीरो बजट फार्म। अब मुझे बताइए, मक्की में एक बोरर आया है आजकल निचले हिमाचल में, क्या जीरो बजट ने उसका काम किया? क्या वेंचुरिया इनोकुलस कैब आया है, क्या जीरो बजट यहाँ काम करेगा? ऐसे अनेकों प्रॉब्लम है सेब और दूसरी फसलों में भी। अभी परसों ही एक आर्टिकल था मक्की में, सोलन से मुझे लगता है कश्यप जी ने उसको एडिट किया था कि सोलन के एरिया में मक्की पे एक बोरर आया है। तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया कि जीरो बजट फार्मिंग वाले से पूछे अब इसका इलाज क्या है। एपिडेमिक है, वो भी एपिडेमिक फॉर्म में आया, मक्की की फसल खत्म हो गई है निचले इलाकों में। तो ये फजूल की बातें हैं। मैं ये भी कहा था कि आप अगर जीवामृत या बीजामृत आप मिट्टी में डाल दिया आज, कल 2 मिलीमीटर बारिश आई मानसून के कारण, तो वो कहाँ जाएगा? उसकी एफिकेसी क्या हो गई? उसकी जिस चीज को पेस्टिसाइड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप गाय के गोंत्र और गुड़ और गोबर को मिला के कंट्रोल करने रहते, दिस इज इलॉजिकल, टोटल इलॉजिकल। कुछ नहीं है, ये ड्रामाबाजी है। आपने जैसा कहा है, ये नंबर फार्मर के, एक हमने 50,000 फार्मर को मेंबर बना दिया, हमने 60,000 को बना दिया, उसके पीछे मोटिव बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर साहब, इसमें मैंने एक लिंक जानना चाह रहा हूँ कि इसका लिंक और स्कैब की एपिडेमिक का लिंक क्या, उसका क्या आपस में इंटर रिलेशन है? कि क्या पॉलिसी डायरेक्शन में ऐसा बदलाव हुआ जिसकी वजह से हॉर्टिकल्चर विभाग ने
कुछ विड्रॉ किया, कैसा देख रहे हैं आप इसको? नहीं, सरेंडर कर गए, सरेंडर। फैसिज्म इतना चला इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, इसमें टोटल फैसिज्म था कि आप इसको करो। दिस इज नॉट, कोई तरीका नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन का, ये करो और पैसे दो गवर्नमेंट को। 25 करोड़ रुपया लिया गवर्नमेंट से, तो ये चीजें नहीं चलती कभी। तो आज कहाँ है वो? आज पूछिए इनको कि मक्खी में कीड़ा आया या सेब में स्कैब आई, तो क्या आपका जीरो बजट फार्मिंग काम करेगा? और ये रीजन था, ये इतना पुशअप हुआ ये रीजन जीरो बजट फार्मिंग का, जिसमें कई गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल ने ये कहा है कि हम अब पेस्टिसाइड सब्सिडी में नहीं देंगे क्योंकि हिमाचल में जीरो बजट फार्मिंग की पॉलिसी आ गई है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमारे शायद लोग आम जन नहीं समझ रहे हैं कि एक्चुअली पॉलिसी डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस हो रहा है इस बात से। प्लीज आप कौन? नहीं, मैं देखिए आप, मैं हर फेसबुक में इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। मैंने आज ना लेना किसी से ना देना है। जो गलत है चीज, उसमें हमें बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। हमने ये रिसर्च का काम किया 40 साल तक। कोई हमारे बीच में ये कहे कि ये कुछ नहीं है, सब कुछ ही जीरो बजट फार्मिंग है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, और लोगों को गुमराह किया जा रहा, कंफ्यूज हो गए लोग इसके पीछे। आप मुझे बताइए, एक सिंपल सा लॉजिक है, फार्मर भी समझेगा कि आज अगर वो सॉयल में किसी भी फसल के, टोमेटो के लिए आपका जीवामृत डालता है, 2 मिलीमीटर बारिश आती है, तो कहाँ जाएगा वो? क्या डाइल्यूशन परसेंटेज होगी उसकी? कुछ भी नहीं, वहां कुछ नहीं बचेगा। देखिए ना, मॉनसून के टाइम में इतनी बारिश आती है कि आपका जीरो बजट तो डाइल्यूट किया, मतलब 0.000% में भी नहीं रहेगा। ये सब ड्रामेबाजी है जी, कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। थैंक यू प्रोफेसर साहब, आई थिंक आई हैव टू पॉज। मैं आपसे लास्ट 2 मिनट्स में कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि ये स्कैब आ रहा है, तो अगर आप मतलब लास्ट 2 मिनट्स में जो हिदायत देना चाहते हैं हमारी सरकार को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, क्योंकि आप उसका पार्ट रहे, और किसानों को, तो ये जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, तो क्या कहना जी चाहेंगे आप, जिससे मतलब लोग बचा सकते हैं? मैं थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर अंकार ने भी कहा, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है, दो चीजें हैं जी। एक तो जो असली जो स्टेक होल्डर थे उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, फार्मर्स को गाइडेंस प्रॉपर नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी लगभग सरेंडर कर चुकी है। रीजन, जब मैं इन जॉब ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी एमएससी पीएचडी स्कैब में थी, तो मैंने स्कैब में ही ज्वाइन किया था 1988 में, तो मेरे डिपार्टमेंट में प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो डिजीज को देखते हैं 42 की स्ट्रेंथ थी, आज 5 की स्ट्रेंथ है, तो कौन करेगा काम? और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बीएससी एमएससी पीएचडी में, इस टाइम जब हम पढ़ते थे तो वाइस परमार की स्ट्रेंथ 700 थी, इस टाइम 2200 है, उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी कहाँ है? ये सब जो है इग्नोरेंस है। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं करते, वो नहीं करते, तो फिर कहाँ से टेक्नोलॉजी आई? कहाँ से सेब को इतना बड़ा हम इसको एक इंडस्ट्री खड़ा किया है? ये सब एक नेग्लेक्ट अवॉइडेंस है कि आपको कुछ काम ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी बाहर से आ जाती है, सेब के पौधे बाहर से आ रहे हैं, वाइस परमार पैदा नहीं करेगा, सेब के पौधे वाइस परमार के गंदे। दिस वाज ए डर्टी कैंपेन चली है, जिससे यूनिवर्सिटीज ने स्टैंडर्ड किया कि चलो जहां मर्जी से ले आओ आप। जहां कई फार्मर्स भी है, फार्मर्स का भी मैं कहूंगा रोल, फार्मर अब ये रिप्लाई देते कि हम तो एक्सपर्ट और प्लांट मटेरियल बाहर से लाते हैं। मैं एक 10% की एक एप्रिहेंशन है मेरी, जो बाहर से प्लांट मटेरियल आएगा एक दिन इस इंडस्ट्री को खत्म करेगा। मैं अक्सर एड्रेस करता रहा कि 2-3 प्रॉब्लम ऐसी है बाहर की कंट्री में जो हिंदुस्तान में अभी नहीं आई है, अगर वो आ गई तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हम केवल बगीचे काटने पड़ेंगे। वो कौन सी है 2-3 प्रॉब्लम्स प्रोफेसर साहब, कौन सी 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं? फायर ब्लाइट है, पूरे यूरोप में है। इटली से हम पौधे लाते हैं, इटली इस टाइम फायर ब्लाइट में नंबर 1 पे है। यूएसए में फायर ब्लाइट है, कोई कंट्री का नाम वेस्ट में ले लो आप, सब में फायर ब्लाइट है। बैक्टीरियम है, हिंदुस्तान का क्लाइमेट इसके लिए बहुत बढ़िया क्योंकि हम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, बैक्टीरिया ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है हॉट क्लाइमेट में। ये तो एक लकी है कि आज तक नहीं आई सैनिटेशन या इसका जो क्वारंटाइन मेथड है, हो सकता है परफेक्ट है। जिस टाइम भी कहीं कोई निग्लेक्ट हुआ तो ये पैथोजन अगर यहाँ आ गया, ये बैक्टीरियम अगर हिंदुस्तान में आ गया, तो ये एक रात को ही कई किलोमीटर्स में आपके बगीचों को नष्ट कर देगा, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम भी आता है, फ्लावरिंग के बाद भी रहता है, और केवल
पेड़ के ऊपर ही कैंकर फॉर्म में बैक्टीरिया पलता रहता है ताकि नेक्स्ट सीजन में इन्फेक्शन होता रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास फंगल के कंट्रोल के लिए फंजीसाइड बहुत है, हिंदुस्तान में भी बनते हैं, हिंदुस्तान नंबर 4 में है पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन में, और बाहर से भी आते हैं, पर बैक्टीरियम के कंट्रोल के लिए हमारे पास कोई भी बैक्टीरियासाइड नहीं है। ठीक है प्रोफेसर, थैंक यू। डॉक्टर ओंकार, आपसे अगर मैं चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ी दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, खासकर पॉलिटिकल अगर हम उसको रेमिफिकेशन देखें। एक तो ये पूरा जो हम जो साम्राज्यवाद बोलते हैं, मतलब क्या आप इसको उस एंगल से देख सकते हैं कि मान लीजिए अभी उनका स्पर आया और फिर उनकी बीमारी आएगी, फिर उनकी दवाई भी खरीदनी पड़ेगी। एक तो ये है। दूसरी बात यह है, क्योंकि आप किसान सभा के नेतृत्व करते हैं, आपको नहीं लगता कि किसान सभा को जो वैकल्पिक रूप से जो अब सरकार नहीं कर रही है, ऑफ कोर्स किसान सभा की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ये वैकल्पिक रूप से जो प्रो पीपल है, जनता के पक्ष की बातें हैं, उसको लेकर भी अभियान में थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है? नहीं तो मतलब ऑफ कोर्स किसानों के कलेक्टिव के माध्यम से या किसान सभा के माध्यम से, और फिर सरकार को भी बाध्य किया जा सके कि वो जो उसका काम है वो काम करे। सर लास्ट दो मिनट, अगर डॉक्टर साहब लास्ट 2 मिनट। हाँ टेकिंदर, ये बात तो सही है कि एक तो जो ये उदारीकरण का दौर जो है, वैश्वीकरण का दौर जो ये साम्राज्यवाद के नेतृत्व में चला है, ये सभी ये दायरों में है, और ये कृषि और बागवानी के अंदर भी आया है, सेवाओं के अंदर भी आ रहा है। तो ये जो देश हैं, ये जो विदेशी कंपनियां हैं जो प्लांट मटेरियल सप्लाई कर रही है, और प्लांट मटेरियल के साथ वो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो दूसरी चीजें हैं, फर्टिलाइजर जो है, वो सब जो है वो सप्लाई कर रही है, ताकि जो है उनका मुनाफा जो है वो बढ़े और जो हमारे लोग हैं उसको फॉलो करें। और जैसे डॉक्टर विजय ठाकुर ने कहा कि अगर वो उनकी डिजीजेज है तो डिजीज भी साथ आ रही है, तो वो हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट के लिए जो है अमेरिका का जो सूट हो रहा है, जो इटली में सूट हो रहा है, वो यहाँ लाया जा रहा है। और अभी जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया है हिमाचल प्रदेश में 2013 से जो 2022 तक जो है वो चलेगा 1134 करोड़ का, उसके माध्यम से प्लांट मटेरियल जो है यहाँ लाया जा रहा है। अभी बहुत सारा प्लांट मटेरियल जो है वो बिल्कुल बोगस है, इस साल भी दिया कुछ है, वो निकला कुछ है, और उसके साथ डिजीजेज भी आ रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर ही विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में इसमें शोध कार्य जो है बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ हमारे प्रदेश के अंदर प्रगतिशील बागवान भी है जो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जो ऐसा सेब तैयार कर रहे हैं जो बाहर के सेबों का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमारे एफर्ट्स होंगे कलेक्टिवली, किसानों को भी कोऑपरेटिव के माध्यम से कलेक्टिव रूप से ये प्रोडक्शन, ये नई इनोवेशन को यहाँ पर जो है बढ़ावा देना पड़ेगा, वही एक विकल्प है। अदरवाइज अगर हम टोटली डिपेंडेंट इस पे हो जाएंगे तो ये आने वाले समय में जो है, ये जो डॉक्टर विजय ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो है खत्म हो जाए। इसलिए हमारी तो किसानों से यही विनती रहेगी कि हमको मिलके कोऑपरेटिव रूप से, कलेक्टिव रूप से जो है, जो हिमाचल के लिए बेस्ट सूटेबल है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए, उस पे जाने की जरूरत है। उसके लिए भी हमको जो है वैकल्पिक रास्ता है, ये काम जो है वो हिमाचल किसान सभा को हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता के रूप में करना पड़ेगा, तभी ये सेब जो बचे। क्योंकि हमारे वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपका सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही समझते हैं कि क्योंकि ये जो पूरा आज एपिडेमिक की रूप में, मतलब महामारी की रूप में जो बढ़ रहा है, इसको रोका जा सकता है अगर समय पर हस्तक्षेप हो सके, लेकिन उसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और उस समझने में लोगों की समझदारी भी जरूरी है, लेकिन सरकारों की भी समझदारी जरूरी है। और हमारे इस छोटे से पहल से उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ कैटलिस्ट के रूप में काम कर पाएंगे और इस बदलाव की कड़ी में हम हस्तक्षेप कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।